Good morning, students. Welcome to the class 7. As you are watching that, you are watching our video of class 7, that is Math. And we are watching our third chapter, that is HCF and LCM. So, हम लोग सातवीं कक्षा का गणित विषय देख रहे हैं, जिसमें हमारा थर्ड चैप्टर शुरू है, जो कि LCF और LCM है. पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को HCF के बारे में पूरी जानकारी बताई हुई है. HCF में आप लोग को कौन कौन सी किस तरह से इसके फैक्टर्स निकालने होते हैं नंबर्स के, और किस तरह से आप लोग को कॉमन निकाल के उसको HCF डिक्लेयर करना होता है, ये सब चीजें हमने पिछले वीडियो में देखी हुई है. आज हम लोग जो चीजें देखने वाले हैं वो है बेटा LCM, दैट इज लिस्ट कॉमन मल्टीपल. लिस्ट कॉमन मल्टीपल HCF के बाद वाला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, जो कि आज हम लोग देखने वाले हैं. इसमें मैं आप लोग को यहाँ पे आप लोग को ये दो एग्जांपल सॉल्व करके बताने वाला हूँ. इन दो एग्जांपल्स के आधार पर कुछ होमवर्क मैं आप लोग को दूंगा, जो कि अगले वीडियो में मुझे अगले वीडियो के पहले मुझे आप लोग व्हाट्सअप करके सेंड करिएगा. तो ध्यान से और अच्छे से समझिए कि इस वीडियो में हम लोग को किस तरह से इस मतलब एग्जाम्पल को सॉल्व करना है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. फाइंड द एलसीएम ऑफ 60 एंड 48. देखिए बेटा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लिया. सॉल्यूशन में आप लोग को सबसे पहले यहाँ पे दो इस तरह से ढांचे बना लेने हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट में लिखेंगे 60 और दूसरे में लिखेंगे बेटा 48. अब आप लोग को पता है कि 60 के फैक्टर्स कैसे निकालने हैं, है ना. इसके पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा हुआ है कि 60 के फैक्टर्स आराम से हम लोग निकाल सकते हैं. ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जिसके फैक्टर्स हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे कि 2 को सबसे छोटी संख्या 2 से भाग जाता है, तो हम लोग यहाँ पे 2 का भाग देंगे. तो 60 डिवाइड बाई 2 आंसर इज 30. 30 आने के बाद 30 को 2 से भाग जाता है, तो आंसर इज 15. फिर 15 आने के बाद 15 को 2 का भाग नहीं जाता, तो हम लोग 15 को नेक्स्ट 2 से बड़ी संख्या से भाग देकर देखेंगे. 2 से बड़ी संख्या है बेटा 3. 3 से 15 को भाग जाता है, तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा 5. अब 5 को 3 से भाग नहीं जाता. अब 3 से और आने वाली दूसरी बड़ी संख्या कौन सी है बेटा? 5 है, तो 5 से ही 5 को भाग जा सकता है, यानी कि आप लोग का यहाँ पे आंसर आएगा 1. ठीक है, तो इसके फैक्टर थोड़ी देर के लिए मैं यहीं पे रख देता हूँ. अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 48 की तरफ, क्योंकि ये गणित जो है वो आपको टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 20 पर ऊपर में दिया बेटा. इसको अलग मेथड से दिया गया है, लेकिन जो मेथड से हम लोग देख रहे हैं उसी मेथड से मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ. ठीक है, ताकि आप लोग को कोई कंफ्यूजन ना हो और अलग मेथड से आप लोग को डिस्टर्बेंस भी ना हो. 48 को 2 का भाग जाता है, तो 48 डिवाइड बाय 2 आप लोग को आंसर यहाँ पे मिलेगा 24. 24 को भी 2 का भाग जाता है, तो 24 को 2 से भाग देने के बाद आपका उत्तर आएगा 12. अब 12 को भी बेटा 2 का भाग जाता है, तो 2 6 12. अब 6 को भी 2 का भाग जाता है, तो 2 3 6. और फिर 3 को 3 से भाग जाएगा, तो आपका उत्तर यहाँ पे आएगा 1. यानी कि जैसे कि डाउनवर्ड एरो हम लोग बनाते थे, उसी तरह से एरोज बनाने हैं हम लोग को, और इसी तरह से आप लोग को यहाँ पे फैक्टर्स लिखने हैं. देयरफॉर 60 के फैक्टर कौन से हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हो गया 60 के फैक्टर. अब 48 के फैक्टर लिखेंगे. 48 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 बार 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ये हो गया 48 के फैक्टर. अब हम लोग को यहाँ पे LCM कैलकुलेट करना है बेटा. LCM अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, वहां पे ऊपर में क्या कॉमन है उतने कॉमन लिख लेते थे HCF में और हम लोग का आंसर आ जाता था. लेकिन अब LCM कैलकुलेट करने के समय पर ध्यान दीजिए, आप लोग को LCM कैलकुलेट करने के समय पर दोनों जगह पर जिन नंबर की संख्याएं ज्यादा है उन्हीं संख्याओं को डिक्टेट करना है. मतलब देखिए, यहाँ पे 2 जो है, 2 गुना 2 कितनी बार आया? सिर्फ 2 बार आया. लेकिन यहाँ पे 2 ये जो नंबर है वो कितनी बार आया बेटा? 4 बार आया. देखिए यहाँ पे ये 4 बार आया हुआ है और यहाँ पे ये सिर्फ 2 ही बार आया हुआ है. तो हम लोग को दोनों में से जो भी नंबर जितनी ज्यादा बड़ी संख्या में लिखा हुआ होगा, ज्यादा नंबर में आया हुआ होगा दोनों में से कहीं पे भी, तो उन्हीं को लिखना है. अब 2 गुना 2 हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 लिखेंगे. तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये हो गए. अब आने वाला हर एक नंबर आप लोग को लिखना है, ये कंसिडर करके चलिए. देखिए बेटा, 2 गुना 2 तो ये 4 बार लिख लिए. अब देखिए 3 ये जो है, ये संख्या भी आप लोग को एक ही बार दिख रही है दोनों जगह पर, तो हम लोग इसको एक ही बार लिखेंगे. अब मान लीजिए कि 3 जो है वो 2 बार या 3 बार होती कहीं और जगह पर, तो हम लोग जितनी बार ज्यादा ज्यादा मल्टीप्लीकेशन नंबर में वो आया हुआ हो उसी नंबर को हम लोग को फॉलो करना होता है. जैसे कि यहाँ पे 3 सिर्फ एक ही बार आया हुआ है, तो फिर एक ही बार लिखेंगे. और 5 ये भी नंबर एक ही बार आया हुआ है, तो एक ही बार लिखेंगे.
अब हम लोग को इस ये फैक्टर आप लोग को समझ में आ गए। ये दो हमने क्यों नहीं लिखे, क्योंकि कोई भी आने वाला नंबर सिर्फ एक ही बार लिखना है, और किस तरह से लिखना है वो एक ही बार, कि जहां पर वो ज्यादा संख्याओं में आया हुआ हो। हर एक नंबर को लिखना, 3 को भी लिखा, 5 को भी लिखा, लेकिन जहां पे ज्यादा संख्या में आया हुआ है उन्हीं नंबर को निकाल कर हम लोग को इसमें लिखना है बेटा। तो ये दोनों यहाँ पे हम लोग नहीं लिखेंगे, फिर ये तीन एक ही बार आया था तो एक ही बार लिखेंगे, पांच एक ही बार आया तो एक ही बार लिखेंगे। तो 2 × 2 = 4, 2 × 8, 8 × 2 = 16, 16 × 3 = 48, 48 × 5। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आंसर आता हमारा। 8 × 5 = 48, 4 × 0 = 4, 5 = 24 और 4 = 24, यानी कि आपका एलसीएम यहाँ पे क्या आएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 240 आपका आंसर यहाँ पे आने वाला है। अब हम लोग चलते बेटा हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। देखिए थोड़ा सा आप लोग को इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, ये दूसरे एग्जांपल से आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा कि हम लोग लिखना क्या चाहते हैं यहाँ पे। और फिर ये जो प्रॉब्लम है 18, 30 और 50 वाला, ये आप लोग को अच्छे से समझा के भी दिया गया है, तो इसको और अच्छे से समझ कर देखते बेटा। सॉल्यूशन लिखता हूं मैं, सॉल्यूशन में आप लोग को यहाँ पे तीन ढांचे बनाने हैं, एक 18 का, एक 30 का और एक 50 का। तो ये 18, ये 30 और एक 50, इसके जल्दी से हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3, तो ये हो गया 18 के फैक्टर। अब 30 के, 2 15 30, 3 5 15 और 5 5 5 1 5। नेक्स्ट 50 के फैक्टर लिखाएंगे, 2 25 50, 25 को देखिए बेटा 3 का भाग नहीं जाता है ना, तो डायरेक्ट हम लोग को 5 का भाग देकर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 5 25 और 5 1 5, तो ये हो गया बेटा हमारे फैक्टर ऑफ 50, 50 ठीक है। अब हम लोग को इसके आंसर लिखने हैं, देयरफॉर 18 इज इक्वल टू, जैसे हम लोग यहाँ पे एरो बना लेते हैं वैसे एरो बना लेने बेटा, इनके फैक्टर लिखेंगे। 18 के फैक्टर है 2 × 3 × 3, ये फैक्टर हो गया 18 के। अब 30 के लिखेंगे बेटा 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 5, और अब 50 के लिखेंगे, 50 के फैक्टर है बेटा 2 × 5 × 5। अब देखिए तीनों फैक्टर्स, तीनों संख्याओं के फैक्टर्स अलग अलग हैं। अब इनमें जो संख्या ज्यादा मात्रा में लिखी हुई है उन्हीं को हम लोग एलसीएम काउंट करेंगे, एलसीएम, देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू। देखिए बेटा तीन नंबर देखिए, टू सबसे पहले छोटा नंबर देखेंगे टू, हर जगह पर दो एक ही बार आया होगा तो हम लोग यहाँ पे दो एक ही बार लिखेंगे, समझ में आ रहा आप लोग को। अब देखिए 3 × 3 जो है वो यहाँ पे दो बार आया हुआ, यहाँ पे सिर्फ एक ही बार आया हुआ, तो जहां पर दो बार आया हुआ है वही नंबर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो 3 × 3 ये हो गया, इनको हम लोग नहीं लिखने वाले ठीक है। तो ये एक 2 हो गया, ये 3 × 3 हो गया, और आप 5 देखिए, ये 5 यहाँ पे एक ही बार आया हुआ था और यहाँ पे दो बार आया हुआ है, तो हम लोग ये एक बार वाला नहीं लिखेंगे, हम लोग ये दो बार वाला 5 लिखेंगे। तो 5 × 5, तो ये समझ में आया आप लोग को कैसे किया मैंने, यहाँ पे पहले दो, ये तीनों नाम तीनों फैक्टर्स में दो एक ही बार आया था तो कोई भी दो उठा के हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तीन तीन जो है ये संख्या आप लोग को 18 में ही दो बार आई हुई दिखी दिखी, 30 में सिर्फ एक ही बार आई हुई थी, तो हम लोग ये दो बार वाली लिखी, 3 बार वाली यहाँ पे हमने नहीं लिखी हुई है। और यहाँ पे देखिए 5 जो है वो भी यहाँ पे दो बार आया हुआ था, यहाँ पे एक ही बार आया हुआ था, तो ये हम लोग नहीं लिखेंगे, सिर्फ ये लिखेंगे। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं बेटा हम लोग, 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18, 18 × ये देखिए इनका यहाँ पे ये जो नंबर है 2 × 3 × 3 यानी कि 18 मैंने लिख लिया, × 5 × 5 यानी क्या होता है बेटा 25। अब हम लोग 18 × 25 करते हैं, 18 × 25, 5 8 40, 0 = 4, 5 1 5, 5 5 5 1 5 और 4 यहाँ पे 9 ठीक है। फिर 2 8 16 6 = 1, 2 1 2 और 1 3, यानी कि आप लोग को यहाँ पे 9 और 6, 0 और 0 दोनों को प्लस करना है, 9 और 6 15 5 = 1 और 3, यानी कि आपको यहाँ पे जो एलसीएम मिल रहा है वो कितना मिल रहा है बेटा, 450, ये एलसीएम आप लोग को मिल रहा है, जो कि आप लोग की किताब में भी याद दिया गया है। देखिए पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, ये दोनों एग्जांपल्स मैंने ऑलरेडी कॉपी में आप लोग को लिख कर दिए है टेक्स्ट बुक में, और मैंने आप लोग को बोर्ड पर समझा कर दिए हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ बेटा जो यहाँ पे प्रोडक्ट बने ना, ये देखिए फैक्टर जो मैंने निकाले वही फैक्टर यहाँ पे आप लोग को दिख रहे हैं, है ना। अब इनमें जो नीचे वाली लाइन बताई गई यहाँ पे बॉक्सेस है,
उन बॉक्सेस में आप लोग को लिखना है इन द प्रोडक्ट अबोव द नंबर टू ऑकर्स अ मैक्सिमम ऑफ वन टाइम. जो दो नंबर है, ये दो जो दो नंबर है वो कितनी बार आया हुआ है, सिर्फ एक ही बार आया हुआ है, तो हम लोगों ने एक ही बार लिखना है. फिर थ्री ऑकर्स मैक्सिमम ऑफ टू टाइम, तीन जो है बेटा वो कितने बार आया हुआ है, दो बार आया हुआ है, तो इसलिए हमने दो बार लिखा. और एंड फाइव और मैक्सिमम ऑफ टू टाइम, और पांच जो है वो हम लोग को कितने बार लिखना बेटा, दो दो बार लिखना है. तो इस तरह से सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोग को आंसर मिलता है 450. ठीक है, तो ये आशा करता हूँ ये आप लोग को ये दोनों एग्जांपल समझ में आया है. नहीं समझ में आया तो आप लोग इसको थोड़ा सा रिवर्स करके और एक बार मतलब ध्यान से इनको करने की कोशिश करिए स्टूडेंट. ठीक है, अब मैं आप लोग को यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूँ जो कि आप लोग को मुझे बताना है. पेज नंबर 19 उसके पहले पेज पर यहाँ पे कुछ तीन एग्जांपल दिए, राइट टेबल ऑफ द गिवन नंबर एंड फाइंड देयर एलसीएम. तो यहाँ पे मैं होमवर्क लिख लेता हूँ, फाइंड द एलसीएम ऑफ क्वेश्चन नंबर इज 6.7, क्वेश्चन नंबर 2 इज 8.12 एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज 5.6.15. तो ये हो गया आप लोग का होमवर्क. ये होमवर्क मुझे आप लोग कल तक सॉल्व करके बताइए, बहुत आसान है, आप लोग को करने में बहुत इंटरेस्ट आएगा. और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा आप लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाहर जाने के समय पर मास्क अवश्य पहनिए, 2 गज की दूरी रखिए और हमेशा हाथ धोते रहिए. थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय.